आप लोग आगे का क्लिप देख के समझ ही रहे होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग आए थे बाल वगैरह सेट कराने काटने। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं बाल काट के, और फिर घर जाके पैकिंग भी करना है। तो मिलते हैं आपसे आगे। वेलकम बैक टू राहुल साहब व्लॉग, आप लोग को स्वागत है अपने भाई के व्लॉग चैनल पे। तो हम लोग अभी जस्ट गोवा घूम के आए हैं, काफी कुछ 10 दिन हुआ है, 10-15 दिन हुआ है। और हम लोग कॉलेज से भी निकाल दिया गया है, हम लोग 4 लोग जो गए थे कॉलेज में नहीं ले रहा है, तो अभी घर में फिलहाल बैठे हुए हैं। पढ़ाई भी चालू हो चुका है तो वो तो छूट ही रहा है, इतना प्रॉब्लम चल ही रहा है। तो इतना प्रॉब्लम चलता है लाइफ में, चलना चाहिए भी, एक्सपीरियंस कुछ नया नया एक्सपीरियंस वगैरह बना है तो ये तो चलेगा ही। और इतने में हम लोग को महादेव का फोन आ जाता है, बोलते हैं बालक चलिए आइए आपका समय आ चुका है। तो हम लोग समझ ही रहे होंगे बात से कहाँ जा रहे हैं, हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं गाइस। और ये अचानक प्लान बना है, अंकल लोग के साथ जा रहे हैं 4 लोग, तो आप लोग को देखने को मिलेगा व्लॉग एकदम काफ़ी क्रेजी क्रेजी व्यू। स्वर्ग दुनिया में स्वर्ग बोलता है ना गाइस, वही है अर्थ में स्वर्ग केदारनाथ। आप लोग से मिलते हैं, पैकिंग वगैरह भी कर चुके गाइस, तो आप लोग को पैकिंग दिखाते हैं। लेट्स गो। ये देखिए आयरन वगैरह करके बैग वहाँ पे पड़ा हुआ है, पर हम लोग एक नया बैग लेंगे, इसमें अटेगा नहीं, इसमें काफ़ी स्पेस नहीं है, माउंटेन बैग एक लेना पड़ेगा। और ये देखिए शूज़ भी, ये ट्रैक करने के लिए हम लोग ये कोलकाता से लिए थे क्रॉक्स, तो ये भी लेके जाएंगे। और ठंडी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ये और विंड शीटर, सब चीज़ आयरन करके बस पैक करना बाकी है, वो भी बैग लेना पड़ेगा उसके बाद। तो एक तरह से खुशी तो है और एक तरह से गम भी है कि कॉलेज में से निकाल दिया है, तो क्या ही कर सकते हैं, ऊपर वाले के हाथ में है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ा देर के बाद या फिर कल जब जाने टाइम में सब आएंगे, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग ने ये बैग ले लिए थे ऑलरेडी, और हम लोग सब चीज़ ये प्लास्टिक में करके कर रहे हैं पैक, क्योंकि वहाँ पे हरिद्वार वगैरह में पानी वगैरह में घुसना पड़ेगा तो ऑब्वियसली कपड़ा भीजेगा, तो इसीलिए हम लोग दिमाग लगाए कि ये प्लास्टिक में करके सब चीज़ पैक कर देंगे। शूज़ वगैरह भी ले चुके, एक अच्छा शूज़ और एक ट्रैकिंग शूज़ जो कि अपना स्पार्क का है। तो लेट्स गो पैक करते हैं इसको, और कल हम लोग को निकलना है रात में, तो मिलते हैं आपको पैक करने के बाद। तो गाइस वो घड़ी आ चुका है कि हम लोग निकलेंगे केदारनाथ के लिए, पहले हम लोग को दिल्ली जाना पड़ेगा। अंकल लोग भी जस्ट आ ही रहे हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे 5-10 मिनट में, हमको बोले तैयार होके बैठने, तो ये तैयार होके बैठे हैं। ट्रेन में चेंज करेंगे, हाफ पेंट लगाना पड़ेगा, हीरो बन चुके हैं। तो चलिए सफ़र में आपसे मिलते हैं ट्रेन में, बने रहिए वीडियो में। हम लोग का गाड़ी भी आ चुका है, अब हम लोग निकलेंगे, लेट्स गो। तो गाइस हम लोग चढ़ चुके हैं ट्रेन पे, और सीट वगैरह भी मिल चुका है, यहाँ हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं मस्त, मतलब सोए हुए, और अपना स्नैक्स वगैरह भी ले चुके हैं, डार्क फैंटास्टी वगैरह रात में खाने के लिए। डिनर भी करेंगे, घर से ही लेके आए फूल एकदम पराठा पनीर का सब्जी। तो आप लोग से मिलते हैं जहाँ जहाँ ट्रेन रुकेगी वहाँ, या फिर जो होता है, बने रहिए वीडियो में। लेट्स गो केदारनाथ, जय बम भोले। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कहाँ है हम लोग को पता नहीं, पर कहीं तो है हम लोग, अभी चाय वगैरह पीने उतरे हुए हैं, देखिए नज़ारा, आज पहुँचेंगे दिल्ली हम लोग, आज रात को पहुँचेंगे दिल्ली, लेट्स गो। गाड़ी रुका हुआ है यहाँ पे, आज रात में हम लोग न्यू दिल्ली पहुँच जाएंगे आनंद विहार, उसके बाद निकलेंगे हरिद्वार के लिए। अब देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, अंकल लोग को ही पता है, टिकट वगैरह भी अंकल लोग ही किए, तो मिलते हैं आगे क्या होता है, बने रहिए, कीप सपोर्टिंग अपना भाई को, लेट्स गो। आनंद विहार
गो। तो गाइस हम लोग रुके हैं मेट्रो के लिए, अन बिहार नहीं पता कौन सा जगह है, हम लोग को जाना है कश्मीरी गेट। तो चलिए मिलते हैं, ये देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं हरिद्वार के बस में, देख सकते हैं पूरा बस हम लोग ने रिजर्व कर लिया है, पूरा बस रिजर्व। और हम लोग रातों रात निकल गए दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली एक्सप्लोर करेंगे आधे वक्त। अभी हम लोग चलते हैं हरिद्वार, हम लोग सुबह पहुंचेंगे। दिस इज आवर टूरिस्ट गाइड है ना। टूरिस्ट गाइड सब अपना अपना सीट में बैठते हुए, मतलब अलग अलग सीट में, क्योंकि बस हम लोग ने रिजर्व किया हुआ है। लेट्स गो हरिद्वार, मिलते हैं। तो गाइस अभी रुका हुआ है होटल पे, लेकिन हम लोग ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, तो हम लोग तो खाएंगे नहीं। ड्राइवर अंकल लोग गए खाने, तो हरिद्वार नींद सो गए थे, लेकिन अभी जाग चुके हैं। तो मिलते हैं हरिद्वार में आपसे, लेट्स गो। तो गाइस वी आर इन उत्तराखंड, जा रहे हैं अब रेंटल कुछ देखने के लिए, या फिर क्या होता है पता नहीं, लेट्स गो, आपको पता चल ही जाएगा। पूरा पानी का सीजन हो रखा है इधर, लेट्स गो। तो गाइस हम लोग का ये गाड़ी रिजर्व हो चुका है, पूरा का पूरा रिजर्व कर लिए। पहले हम लोग सोचे शेयरिंग में जाएंगे, लेकिन शेयरिंग में बहुत टाइम लगता और हम लोग घूमते हुए भी जाएंगे, इसीलिए हम लोग टाटा यही सब गाड़ी यहाँ पे मिलती है, वो थार वगैरह मिलती नहीं है। हम लोग थार का सोचे थे, पर थार है नहीं, बहुत पैसा है अपने पास, सोना ही सोना है, जग सोना सोना लागे तो थार तो मिली नहीं, तो इसी गाड़ी पे चलते हैं, लेट्स गो। आपको नज़ारा दिखाएंगे उत्तराखंड का, बाकी प्रयाग कहाँ कहाँ प्रयागराज वगैरह जो जो है सब आपको दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में, लेट्स गो। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं देव प्रयाग दो ठो वही गंगा का संगम, चेंज चेंज पानी कलर, कभी ये लोग मिक्स नहीं होता है, तो सी क्या ही गजब है। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे, फोटो वगैरह खींच चुके हैं, तो लेट्स गो आगे मिलते हैं। देव प्रयाग घूमने के बाद दिस इज आवर स्नैक्स, ले रहे हैं सामान वगैरह, फोटो एडिट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है आगे, कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ खाते हैं, फिलहाल के लिए तो ये है, मिलते हैं आगे। गाइस हम लोग यहाँ होटल में रुके थे, और नज़ारे देखेंगे क्या, ये देखिए क्या एकदम सही नज़ारा है। खाने के लिए रुके हैं सोन प्रयाग 10, अब 2 घंटा और लगेगा, पूरा भूख लग गया है, मतलब अब खाना पड़ेगा, पेट पूरा खाली हो चुका है, इसीलिए हम लोग रुके हैं और ये नज़ारा इंजॉय करते हुए हम लोग खाएंगे, बने रहिए वीडियो में, बहुत सेक्सी सेक्सी नज़ारा सब देखने को मिलेगा। और जल्दी से जाके सोन प्रयाग में नहाना है गाइस, नहाए नहीं है हम 2 दिन से, हम लोग कोई भी नहीं नहाए 2 दिन से, तो जाना पड़ेगा सोन प्रयाग और नहाएंगे, मिलते हैं आगे। हालत में मत जाइएगा गाइस, बहुत पैसा है, जल्द सोना सोना लागे। ये आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, ये गाइस उत्तराखंड की वादियों में, पहाड़ियों में, यहाँ हम लोग के एक अंकल नहाने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग बस पाँव हाथ धोएंगे इसके बाद चले जाएंगे। तो लेट्स गो, सिनेमैटिक चेक कीजिए गाइस। हम लोग खा के निकल चुके हैं सोन प्रयाग के लिए, सोन प्रयाग के लिए, और नज़ारे कुछ इन प्रकार के हैं। हम हिंदी में कुछ काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं, आजकल सीख रहे हैं उत्तराखंड की भाषा, तो देख सकते हैं। और काफ़ी सारा वाटरफॉल वगैरह भी हम लोग को देखने को मिला, बहुत ही नज़ारा गुड था। लैंडस्लाइड हो चुका है यहाँ पे, बिल्कुल स्टॉप हियर।
ये देखो भाई, फाइनली सोन प्रयाग पहुंच गए। यहाँ हम लोग चाय पी के नज़ारा एंजॉय करते हम लोग निकल रहे गौरीकुंड के लिए। हाँ, जय बम भोले, हर हर महादेव, लेट्स गो। गौरीकुंड पहुँचते हुए पैदल जाना पड़ रहा है। पूरा पानी का सीजन, ये देखिए बहुत ही सही माहौल बना हुआ है। पहुँचते और रूम में आपसे मिलते हैं, लेट्स गो। यहाँ का सिनेरियो क्या है, हर एक जगह ये वाटरफॉल्स वगैरह है। बहुत सी जगह वाटरफॉल्स है, एकदम शुद्ध पानी हम लोग पी सकते हैं और पानी बिल्कुल भी महंगा है। सांस अभी फूल रही है गौरीकुंड। अभी रूम्स भी लेना है, बहुत चीज़ है अभी, और ठंड भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो गाइस हम लोग बढ़ते हुए किधर बढ़ते हुए कहाँ, गौरीकुंड। अच्छा, गौरीकुंड नहीं, गरम कुंड, गौरीकुंड उसको, गौरीकुंड ही बोलते हैं। वही गौरीकुंड, वहाँ पे नहाएंगे मस्त गरम गरम पानी से। इधर से ना, यहाँ पे कोई नहाया नहीं है दो दिन से, तो आज फुल मस्त गौरीकुंड। ये देखिए नज़ारे, हाँ हमारे राधे राधे साहब कुछ बोलना चाहते हैं। जय श्री राधे, हम ये केदारनाथ के एकदम पवित्र स्थान से अब जा रहे हैं हम गौरीकुंड की स्नान लेने, गरम कुंड। बाय बाय, राधे राधे। अरे गरम कुंड में आ चुके हैं, नाम ही बिरसिया ले तबाई को तो। गरम कुंड ऊपर गरम है ऊपर। हम लोग मैगी चल रहा है पूरा एकदम मस्त है ना, ठंडी में। गाइस ये गली देख सकते हैं, रूम से नीचे आए हुए चॉकलेट लेने, और आज हम लोग का लास्ट है। कल सुबह हम लोग जाएंगे ट्रैकिंग के लिए, तो मिलते हैं सुबह, चॉकलेट खाते हैं और जाते हैं रूम पे सोने के लिए। लेट्स गो, मिलते हैं ट्रैकिंग पे, गुड नाइट। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।